दोस्तों UIDAI के तरफ से यानी आधार कार्ड की ओर से दो नया फॉर्म लॉन्च किया गया है। अगर अब से आप एक नया आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी बनाना चाहते हैं, फिर अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार की अपडेट क्रिएशन कराते हैं, तो अब आपको नए फॉर्म को फिल करना अनिवार्य हो जाता है। यानी कि आधार कार्ड का जो पहला पुराना फॉर्म था उस फॉर्म को आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं होने वाला है। और अगर आप ऑनलाइन कोई भी अपडेट क्रिएशन कराते हैं तो ये फॉर्म आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर आप आधार सेंटर से जाकर एक नया आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई भी अपडेट क्रिएशन कराना चाहते हैं, तो जो भी नया फॉर्म निकला है इस नए फॉर्म को फिल करके ही आप कोई भी अपडेट क्रिएशन करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि नए फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्योंकि दोस्तों इस नए फॉर्म में कुछ नए नए ऑप्शन भी ऐड किया गया है, जो कि नए ऑप्शन को आपको जानना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। तो नए फॉर्म को कैसे सही तरीके से फिल करना है और इस फॉर्म को कहां से आपको डाउनलोड करना होगा, तो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। हो सकता है कि ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो सही तरीके से आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक काफ़ी हमें मोटिवेट करता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये है आधार कार्ड का नया फॉर्म, कैसे आपको डाउनलोड करना है तो आगे हम बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो दोस्तों, इस फॉर्म को जो आप देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये लिखा है कि यहाँ पर जो भी ये फॉर्म आप फिल करेंगे ये मात्र 5 साल से लेकर 18 साल के लिए है, यानी कि बच्चों के लिए है। यानी कि अगर आपका उम्र 18 साल से अधिक हो चुका है और कोई भी अपडेट क्रिएशन करना चाहते हैं तो उसका भी नया फॉर्म निकाला गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है 18 साल से ऊपर लोगों के लिए। अगर कोई भी अपडेट क्रिएशन कराना हो या फिर आपको एक नया आधार कार्ड अप्लाई करना हो तो अब से आपको यही फॉर्म फिल करना है। हम आपको दिखा देते हैं कि अगर बच्चे का कोई भी अपडेट क्रिएशन कराना हो या फिर एक नया आधार कार्ड अप्लाई करना हो तो आपको इस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। पहले यहाँ पर ये बताया गया है कि आप जो भी यहाँ पर फॉर्म में फिल करेंगे सभी लेटर आपका कैपिटल में होना चाहिए। अगर आप स्मॉल लेटर में फिल करेंगे तो आपका ये जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है न्यू इनरोलमेंट और अपडेट, यानी कि बच्चे का नया आधार कार्ड बनवाना हो तो आपको न्यू इनरोलमेंट में आपको टिक लगाना है। और अगर आपको अपडेट करवाना है जैसे कि फिंगर हो या फिर आयरिस हो, इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे का फिंगर अपडेट भी किया जाता है, यानी बायोमेट्रिक अपडेट कराना हो तो आपको अपडेट के ऊपर सेलेक्ट करना है। और अगर आपको एक नया आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आपको न्यू इनरोलमेंट में आपको इस तरीके से टिक लगा देना है। जाता है रेजिडेंट इंडियन और नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो सिंपली से आपको रेजिडेंट इंडियन में आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अब दिया गया है, आप जो भी यहाँ पर हम बताएंगे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नए नए ऑप्शन देखने को मिलने वाला है, तो बिल्कुल आप ध्यान से यहाँ पर देखना है। और तीसरा दिया गया है कि अगर अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करेक्शन करा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको आधार नंबर टाइप करना है। लेकिन अगर आप एक नया आधार कार्ड बना रहे हैं तो इसमें आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑप्शन खाली रह जाएगा, यानी इसमें आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के अपडेट क्रिएशन करा रहे हैं, तो जैसे कि अगर आपको बायोमेट्रिक अपडेट करवाना है तो बायोमेट्रिक के अंदर फोटो, फिंगर और आयरिस आ जाता है। यहाँ से आप तीनों को आप एक साथ चेंज करा सकते हैं। तो अगर आपको बायोमेट्रिक को करेक्शन करना है तो इसमें आपको टिक लगाना है। और अगर आपको मान लेते हैं कि मोबाइल नंबर लिंक करवाना है तो इसमें आपको टिक लगा देना है। और अगर आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर करेक्शन करना है, जो भी आप करेक्शन कराएंगे उसके ऊपर आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। हालांकि हमने एग्जांपल के लिए तीनों में सेलेक्ट किया है, एक साथ में दो तीन चीज आप करेक्शन नहीं कर सकते, मात्र एक चीज को आप करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक नया आधार कार्ड बना रहे हैं तो इसमें आपको कहीं पर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको सभी को खाली छोड़ देना है। अब दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर दो नया ऑप्शन ऐड किया गया है, डॉक्यूमेंट अपडेट और लैंग्वेज ओनली अपडेट, जो कि ये फॉर्म में अवेलेबल नहीं किया गया था। लेकिन दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि अब आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट भी अपडेट करना अनिवार्य है, यानी अगर आपका 10 साल 15 साल के पहले अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो अब आपको अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट अपडेट करा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट में आपको टिक लगा देना है। और अगर आपको लैंग्वेज अगर कोई भी करेक्शन सुधार करना है तो ये भी नया ऑप्शन आ चुका है, तो इसमें आपको टिक लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको तभी टिक लगाना है जब आप कोई भी अपडेट करा रहे हैं, और अगर आप नया बना रहे हैं तो इसमें आपको कहीं पर भी सेलेक्ट नहीं करना है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है नेम एज पर POI और POR डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पर आपको नाम फिल करना है, उसी तरीके से आपको नाम फिल करना है जिस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट ID प्रूफ में होता है, उसी तरीके से फिल कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर आप नाम अपडेट करा रहे हैं तो जो भी आप इसके साथ प्रूफ दे रहे हैं
उसी प्रूफ के हिसाब से यहाँ पर आपका नाम फिल होना चाहिए। और अगर आप नया आधार कार्ड बना रहे हैं तो जो भी आप आधार कार्ड बनाने के लिए डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको नाम फिल कर देना है। अब दोस्तों पांचवें नंबर में दिया गया है बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर एज पर द बर्थ सर्टिफिकेट विथ नेम, बर्थ सर्टिफिकेट विथ नेम एज बेबी ऑफ, यानी कि एक बच्चे का नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं सर्टिफिकेट का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे और जिस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट में बच्चे का नाम होगा उसको यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप एक नया आधार कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपको मेल फीमेल सब दिया गया है, तो जैसे कि हम यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर आपको बच्चे का डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर डे फिल करेंगे, यहाँ पर मंथ फिल करेंगे, यहाँ पर आपको ईयर फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन दिया गया है जो कि इसमें आपको कहीं पर सेलेक्ट नहीं करना है, जो भी है वैसे आपको छोड़ देना है। अब दोस्तों यहाँ पर मेन चीज आ जाता है, देखते हैं यहाँ पर ये भी एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है HOF बेस्ट इनरोलमेंट। दोस्तों अपने आधार कार्ड में जो भी अपडेट क्रिएशन करा रहे हैं अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है अपडेट करने के लिए तो यहाँ पर लिखा है HOF बेस्ट इनरोलमेंट, यानी हेड ऑफ फैमिली का यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाकर अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट क्रिएशन करा सकते हैं। कंडीशन है कि जो भी चीज़ आप क्रिएशन करा रहे हैं वो आपका HOF बेस्ट डॉक्यूमेंट में भी आना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एड्रेस अपडेट कराना है, करेक्शन कराना है, तो आप इसमें अपना हेड ऑफ फैमिली के यहाँ पर डॉक्यूमेंट से आप बिल्कुल करेक्शन करा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एक नया आधार कार्ड बना रहे हैं तो इसमें भी आपको प्रूफ देना है, यानी बच्चे का यहाँ क्या है कि बच्चे के लिए यहाँ पर ये फॉर्म फिल किया जा रहा है, तो अगर बच्चे का कोई भी प्रूफ नहीं है तो इसमें क्या करना है कि यहाँ पर माता पिता का कोई भी प्रूफ यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो अगर आप मदर्स का दे रहे हैं तो यहाँ पर मदर्स का नाम फिल करेंगे और मदर्स का जो भी आधार नंबर है यहाँ पर आपको कॉलम में इस तरीके से यहाँ पर पूरा फिल कर देना है। और अगर फादर का देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फादर्स का पूरा फिल करना है। और इसमें यह भी लिखा है कि इनकेस एनी वन ऑफ पेरेंट इज नॉट अवेलेबल रीजन थ्योरी लिखा है कि अगर बच्चे का माता पिता नहीं है यानी उसका कोई सहारा नहीं है तो इसमें आपको क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पर रीजन लिखना है कि है या नहीं है, और अगर नहीं है तो यहाँ पर किसका नाम होगा, तो यहाँ पर आपको गार्जियंस का नाम फिल करना होता है जो कि यहाँ पर दिया गया है इनकेस बोथ ऑफ पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल रीजन थ्योरी, तो यहाँ पर दिया गया गार्जियंस का नाम आप फिल कर सकते हैं, यानी आपके रिलेटिव में जो भी होगा उसको आप गार्जियन बना सकते हैं और यहाँ पर गार्जियन का आधार नंबर फिल कर देंगे। तो किसी का भी यहाँ पर आपको एक यहाँ पर फिल करना है और नहीं तो आपको गार्जियंस के डिटेल्स में आपको गार्जियंस का यहाँ पर सब कुछ फिल कर देना है। आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसका यहाँ पर नाम फिल कर देंगे, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, और जो भी डॉक्यूमेंट का नंबर होता है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो वही चीज यहाँ पर दिया गया है डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट, यानी यहाँ पर आपको प्रूफ आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर आपको एक प्रूफ देना है। तो जो भी आप प्रूफ देना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे अगर आपको पैन कार्ड, जैसे कि अगर आप पैन कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पर पैन कार्ड फिल करेंगे, एड्रेस के लिए आप क्या प्रूफ दे रहे हैं आधार कार्ड तो आधार कार्ड फिल करेंगे, और डेट ऑफ बर्थ के लिए आप क्या देना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो बर्थ सर्टिफिकेट अगर बच्चे का होता है तो यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही लिख देना है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको बच्चे का जो गार्जियन बनेगा उसका यहाँ पर नाम फिल कर देना है। CO, CO का मतलब होता है केयर ऑफ, यानी बच्चे का देखभाल कौन करता है उसका नाम फिल करेंगे। हालांकि ये ऑप्शनल में दिया गया, अगर आप चाहो तो फिल कर सकते हैं। अब अगर बच्चे का नया आधार कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे का पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको सही तरीके से बिल्कुल मेंशन कर देना है, फिल कर देना है। और अगर बच्चे का एड्रेस भी अपडेट करा रहे हैं तो इसको आपको फिल कर देना है। और दोस्तों अगर आप अपडेट भी करा रहे हैं तभी आपको फिल करना है, लेकिन अगर एड्रेस नहीं अपडेट करा रहे हैं तो आधार कार्ड में जिस तरीके से एड्रेस है उसी तरीके से बस यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और जो भी मोबाइल नंबर आपको लिंक करवाना हो नया आधार कार्ड के साथ या फिर अपडेट करा है उसके साथ, तो वही मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, तो आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर रजिस्टर हो जाता है, तो आपको मोबाइल नंबर भी मेंशन कर देना है। डॉक्यूमेंट अपडेट, यानी कि दोस्तों हमने आपको पहले ही दिखाया था कि यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ चुका है डॉक्यूमेंट अपडेट करा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए आप क्या क्या प्रूफ दे रहे हैं यहाँ पर आपको बिल्कुल फिल कर देना है। प्रूफ आइडेंटिटी के लिए, प्रूफ एड्रेस के लिए, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ के लिए, अगर आप सभी में पैन कार्ड दे रहे हैं तो आपको पैन कार्ड ही फिल कर देना है। ये जो डॉक्यूमेंट अपडेट करवा रहे हैं, ठीक है, हमने आपको पहले यहाँ पर दिखा दिया, अगर आप डॉक्यूमेंट अपडेट कराते हैं तभी आपको ये चीज फिल करना है। अगर आप नया आधार कार्ड बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर अपडेट क्रिएशन कराते हैं तो आपको ये फिल नहीं करना है, ठीक है, करना है कि जिस बच्चे का आधार कार्ड बन रहा है या फिर अपडेट हो रहा है उस बच्चे के यहाँ पर सिग्नेचर होगा। अगर सिग्नेचर नहीं आता है तो बच्चे के यहाँ पर फिंगर भी आप लगा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट का होगा, अगर गार्जियन है तो गार्जियन का करेंगे और पेरेंट्स का है तो पेरेंट्स करेगा, ठीक है, यानी माता पिता का यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद है डेट एंड टाइम इनरोलमेंट, यानी जिस दिन आधार कार्ड बच्चे के बनाने के लिए जा रहे हैं उस दिन का आपको डेट फिल कर देना है, और यहाँ पर आपको कोई सिग्नेचर नहीं करना है, वही सिग्नेचर करेगा जो आधार कार्ड बनाते हैं आधार सेंटर में,
उसका सिग्नेचर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सिर्फ 5 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए है। आपको फॉर्म फिल करना है, भले आप नया आधार कार्ड बना रहे हैं या फिर कोई अपडेट क्रिएशन करा रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना है। और आपको जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर नाम फिल करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट आपको मेंशन करके जाना है, यानी फोटो कॉपी जेरोक्स करके लेकर जाना है। और जहाँ पर भी आधार सेंटर है वहाँ पर आपको जाना है, वहाँ से आपका काम कम्प्लीटली हो जाता है। करते हैं कि अगर आपका एज 18 साल से ऊपर है तो इस नए फॉर्म को कैसे फिल करना है, यानी अपडेट कराना हो या फिर नया आधार कार्ड बनाना हो, तो बस उसी तरीके से इसमें भी आपको फिल करना है, बिल्कुल सेम दिया गया है, चाहे तो आप देख सकते हैं। और बस यहाँ पर क्या है कि एड्रेस जो है वो थोड़ा ऊपर कर दिया गया है, चाहो तो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर उसमें क्या था कि एड्रेस नीचे था, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी खास चीजें नहीं दिया गया है, सेम यहाँ पर सब कुछ है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर 5 से 18 साल के बच्चों के लिए दिखाया, उसी तरीके से इसमें भी आपको फिल करना है। थोड़ा सा कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं है, सेम टू सेम है, चाहो तो आप देख सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा और बिल्कुल यहाँ पर लगभग सेम है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये दोनों फॉर्म आपको कहाँ से फिल करना है। तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं और आप लोग भी जुड़े, और जो भी छोटा मोटा अपडेट होता है मैं आप लोग को देने की कोशिश करता हूँ वहाँ पर। तो आप जाइए फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से ये दोनों फॉर्म आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो काफी पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।